चलिए हेलो फ्रेंड, आज के क्लास में एक्सरसाइज 8.1 हम लोग 1 से 5 तक क्वेश्चन कर चुके हैं। छठा क्वेश्चन देखिए, इसमें कहता है यदि एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, एंगल ए और एंगल बी क्या बताइए न्यूनकोण है, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी होगा, मार्किंग है ना। तो ए और बी न्यूनकोण है यानी कि एक्यूट एंगल है, समझे ना बात को, जहाँ कॉस ए बराबर क्या बताइए कॉस बी, दिखाइए कि एंगल ए बराबर क्या होगा, एंगल बी। बहुत शानदार सवाल है और ये एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर कौन है बताइए, 5 6 नंबर क्वेश्चन है। इस चैप्टर में 1.1 से लेकर के 1.84 तक में जो थोड़ा सा टिपिकल यही सवाल है, एग्जाम में शायद आया नहीं होगा अभी तक, तो हमने देखा आया भी होगा पिछले ईयर में, इधर 4 साल में देख रहे हैं सवाल को, कोई बात नहीं है। इसमें आप क्या करिए, इस टाइप के सवाल में दो ट्रायंगल बनाइए, दो क्या बनाना है बताइए ट्रायंगल, और यहाँ लिखिए दिया है, क्या लिखना है दिया है, क्या दिया है बताइए, कॉस ए बराबर क्या दिया है कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या दिया बताइए कॉस बी। आपको क्या करना है, दो ट्रायंगल बनाइए, क्या बनाना है दो ट्रायंगल बना लीजिए, ठीक है ना, दो क्या बनाइए सरकार बताइए ट्रायंगल बनाइए, कोई भी दो राइट एंगल ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। इस प्रकार से दो मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, एक मान लेते हैं ये एंगल ए है और उसके बाद जो है एक ये ट्रायंगल मान लेते हैं, और ये क्या है बताइए एंगल बी, ये एंगल ए और ये एंगल क्या है बताइए बी, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, एक समकोण त्रिभुज है, तो ये एंगल क्या होगा बताइए 90 डिग्री, ये एंगल कितना डिग्री होंगे 90 डिग्री, समझे ना कहानी, समझे ध्यान से, पहले लॉन्ग तरीका से बताते हैं सवाल को फिर चलेंगे शॉर्टकट तरीका से, समझे ना कहानी। तो क्वेश्चन में सिद्ध करना है कॉस ए बराबर कॉस बी दिया है, तो ए बराबर क्या सिद्ध करना है बी, ये एंगल ए और ये एंगल आपस में क्या होंगे बराबर होंगे, कब होंगे जब कॉस ए बराबर क्या होगा जब कॉस बी, समझे ना बात को, ये हमें दिया है। अब इस दोनों का कुछ भी नामकरण कर सकते हैं आप, इसे मान लेते हैं मान लीजिए क्यू पी, कुछ भी नाम दे दीजिए, क्या मान लेते हैं क्यू पी, इसे मान लेते हैं डी और सी, अपने अनुसार नाम रख लीजिए, कुछ भी नाम रख दिया आपने छह अपने अनुसार से, लेकिन इसको ए और इसको क्या लेना है बताइए बी। अब आप को क्या ध्यान देना है, हमने पढ़ाया था कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होते हैं कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस, पढ़ाया है ना, इस कोण को थीटा मानेंगे तो सामने वाला क्या होगा लंब, ये क्या हो जाएंगे बताइए लंब परपेंडिकुलर, ये क्या होगा बताइए आधार यानी कि ये होगा बेस, और ये क्या होंगे बताइए हाइपोटेनस यानी कि कर्ण होगा, इस कोण को थीटा मानिएगा तो ये क्या होगा बताइए यहाँ से लंब, ये क्या होगा बेस यानी कि आधार, और ये क्या होगा कर्ण बनाइए यानी कि एच, समझ में आ रहा है बात है। इसको थीटा मानिएगा तो निकाल लीजिए कॉस है, क्या निकाल लीजिए आप, तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा लंब, लंब बटे सॉरी आधार बटे कर्ण यानी कि पी ए, क्या होगा बताइए पी ए, पी ए बेस अपन हाइपोटेनस यानी कि कर्ण क्यू ए, पी ए बटे क्या होगा बताइए, एकदम ध्यान से बहुत बेहतरीन सवाल है ये, दिमाग वाला व्यक्ति बनाएंगे सवाल को। आगे पढ़िए फिर, उस ट्रायंगल में चलिए, ट्रायंगल डी सी बी में चलिए, इसमें निकालिए कॉस बी, जिसको उनको थीटा मानेंगे सैन्य वाला लंब, ये होगा आधार यानी कि बी सी अपॉन में क्या होगा डी बी, बी सी अपॉन में क्या होगा बताइए डी बी, इतना पॉइंट समझ में आ रहा है। अच्छा आगे बढ़ते हैं, अब क्या करना आपको है, पी ए को आप रहने दीजिए, क्या करिए पी ए को क्या करिए बताइए रहने दीजिए, देखिए पी ए को नहीं रहने दिया, और बी सी को ला लीजिए बट्टे में, बी सी का ला लीजिए, इस दोनों को इंटरचेंज कर लिया, इस दोनों को हमने क्या कर लिया बताइए, कारण इसके पीछे इंटरचेंज करने के पीछे है, इसके पीछे क्या बताइए कारण ऐसा है, क्योंकि बाद में बता देंगे हम ऐसा, समझे कहानी। तो बी पी ए, पी ए बटा क्या होगा बी सी, पी ए बटा बोलिए क्या होगा बी सी, इक्वल टू पी बी अथी सॉरी ये क्यू ए यहाँ चला गया, क्यू ए क्या हुआ वहाँ चला गया, तो क्यू ए बटा क्या होगा डी बी, कोई दिक्कत किसी को, इस दोनों को मैंने इंटरचेंज अदला बदली कर दिया, समझ में आ रहा है बात को। इतना बराबर के मान लीजिए, इतना बराबर के क्या बताइए माना, इतना बराबर क्या माना है के, क्या माना है बोलिए के माना है, ठीक है अच्छी बात है। अब क्या करना है, यहाँ से असली काम होंगे शुरू, आप देखिए पी ए बटे बी सी, पी पी ए बटे बी सी बराबर क्यू ए, ये क्यू ए बटे क्या है डी बी, एगो ये बच रहा है ना परपेंडिकुलर, दोनों में क्या बच रहे हैं, देखिए पी ए आपको जो है क्वेश्चन में इसका रेशियो आ रहा है, किसका रेशियो आ रहा है बताइए पी ए का रेशियो आ रहा है, यहाँ देखिए ये पी ए है, ये काम हो गया, ये वाला पी ए और ये बी सी अनुपात मिल चुका हमें है। अगला देखिए क्यू ए, ये है क्यू ए, ये क्या बताइए क्यू ए, और ये क्या बताइए डी बी, अब बच कौन गया
क्यू क्यू पी और क्या बच गया बताइए, डी सी, यही ना बच चुका है। एक थ्योरम होती है एस 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 सिमिलरिटी, एस एस समरूपता, एस एस ट्रिपल एस, कितना होता बताइए, ट्रिपल एस समरूपता होती है, ट्रिपल एस, कि दो त्रिभुज में यदि दोनों भुजा का संगत अनुपात बराबर हो, समझिए, दो त्रिभुज में दोनों भुजा का संगत अनुपात क्या हो, दो त्रिभुज में इसकी संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, तो उस त्रिभुज के सभी कोण आप दोनों त्रिभुज के आप सभी कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब कहने कुछ भी नहीं है, कहने की ये है, ऐसे समझिए आप, कहने की ये है आपके पास एक त्रिभुज ये है ना, यदि इस त्रिभुज में ये दोनों बराबर है ऐसे करके पी ए बटे क्या बताइए बी सी बराबर पी ए बटे क्या बताइए बी सी बराबर क्या बताइए क्यू ए बटे क्या बताइए डी बी, कल को हो जाए क्यू पी क्या हो जाए क्यू पी बटे क्या हो जाए बताइए डी सी, ऐसा हो जाए, ऐसा कल को क्या हो जाए, किसी तरीके से हम तीनों को यदि बराबर कर दिए, तीनों क्या कर दिए बताइए, तो बताएंगे कि एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से एक थ्योरम है, और थ्योरम कितना है, ये है प्रमेय 6.4 सरकारी किताब का, प्रमेय 6. कितना है बताइए 4, थ्योरम 6. कितना है जी 4 है, समझ में आ रहा है कहानी, अब सबको लगता होगा हवा, थ्योरम 6. कितना बताइए 4, ये कहता है ऐसा हो, यदि कंडीशन क्या हो, ऐसा हो तो इस त्रिभुज के सभी कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, एंगल क्यू बराबर एंगल डी ये तो 90 है ही, साथ में ए बराबर क्या होगा बी, चाहे वो कोनो त्रिभुज हो, समकोण त्रिभुज हो, समद्विबाहु हो, विषम बाहु, कोई भी त्रिभुज हो, ऐसा सिमिलरिटी से ऐसा यही चीज़ हमें लाना है, यही चीज़ क्या करना है बताइए, तो दो बराबर है ही, कभी दो बराबर कर लिया ना हमने, और तीसरा निकालना है तो तीसरा क्यू पी और क्या निकाल लीजिए डी सी, समझ मारा ना कहानी, एक्चुअली में इसमें थ्योरम इस्तेमाल होते हैं 6.4 का, इसलिए सवाल टफ हो जाता है, अन्यथा कुछ भी नहीं सवाल में है, एक बार वो थ्योरम आप पढ़ लीजिएगा जो कि पीछे एक्सरसाइज 6 में दिए गए हैं, सवाल काफ़ी क्या हो जाएंगे, ईजी हो जाएंगे, कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब समझिए आगे क्या निकालना है, क्यू पी निकालना और क्या निकालना बताइए डी सी, क्यू पी और क्या निकालना है, क्यों निकालना है समझ में आ गया होगा, तो क्यू पी निकालें, यहाँ से क्या निकालिए बताइए क्यू पी, तो क्यू पी निकालिए, क्यू पी देखिए ये क्यू पी है, क्यू पी सॉरी ये है क्यू पी, ये है क्या बताइए, अच्छा यहाँ से एक काम और, यहाँ से पी ए बराबर क्या बराबर पी ए, इसको कहराम बंद कर लीजिए, ये भविष्य में आपको क्या होगा काम देगा, ये पॉइंट्स समझे ना बात को, ये पॉइंट्स आपको क्या देगा, इसको बराबर इसको करिए, समझे ना बात को, तो पी ए बटे बी सी, पी ए बटे बराबर क्या होगा, इसीलिए पी ए बराबर कितना बराबर के इंटू बी सी, के इंटू क्या होगा बताइए बी सी, इतना समझ में आया सबको, के इंटू क्या होगा बताइए बी सी, आगे फिर पढ़िए, फिर करिए क्यू ए बटे डी बी, क्यू ए बटे क्या करना है बोलिए डी बी, बराबर क्या करना है के, तो इसीलिए क्यू ए इक्वल टू कितना इक्वल टू, क्यू ए इक्वल टू के इंटू डी बी, के इंटू क्या होगा बताइए डी बी, इतना समझ में आया सब लोगों को, समझ रहे हैं बात को, आगे फिर चलिए बात करते हैं, आगे बात करते हैं, आगे हम यहाँ लिख देते हैं नीचे में, समझ में आ रहा ना, फिर उधर जाएगा नहीं तो फिर खराब हो जाएगा, लंबा सवाल है और दिमाग वाले लोग ही बनाते हैं, आपके पास भी दिमाग है समझिए, अच्छा अब क्या करना हमें, अब निकालना क्या चीज़ है, क्यू पी निकालना है, वहाँ देख रहे हैं क्या निकालना है बताइए क्यू पी, क्यू पी निकालिए, क्या निकालिए क्यू, क्यू पी निकालिए, क्यू पी निकालिएगा तो क्यू पी देखिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस यानी कि ये लंब है, कर्ण ये क्या बताइए आधार है, तो क्यू पी इक्वल टू क्या होगा क्यू ए, क्यू ए क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू, क्यू पी का स्क्वायर इक्वल टू क्यू ए का स्क्वायर और माइनस पी ए का स्क्वायर, माइनस क्या होगा पी ए का स्क्वायर, तो क्यू पी बराबर लिख सकते हैं आप क्या चीज़ रूट स्क्वायर का क्या चलेगा बताइए रूट चलेगा, क्यू ए का स्क्वायर और माइनस पी ए का क्या होगा बताइए स्क्वायर, तो क्यू पी इक्वल टू यहाँ से क्या हो गए क्यू पी इक्वल टू क्यू ए बताइए कितना है क्यू ए आपके पास कहाँ है क्यू ए, ये है क्यू ए है, कितना है क्यू ए बताइए के इंटू डी बी, के इंटू क्या है बताइए डी बी, अच्छा ये निकलेगा इस त्रिभुज के फॉर्म में ठीक है, उसके बाद फिर वो निकालेंगे हम लोग डी सी, इसके बाद फिर क्या निकालेंगे डी और सी निकालेंगे और डी सी निकलेगा उस, ठीक है बिल्कुल सही जा रहे हम लोग, तो क्यू पी इक्वल टू के क्यू ए, क्यू ए का वैल्यू लिया हमने क्यू ए का वैल्यू के इंटू डी बी, इसका क्या होगा बताइए स्क्वायर माइनस पी ए, ये पी ए है तो के इंटू क्या होगा बताइए के इंटू बी सी का क्या होगा के इंटू बी सी का स्क्वायर, किसी को आपत्ति बताइए, समझ में आ रहा है बात को, चलिए तो क्यू पी इक्वल टू कितना इक्वल टू क्यू पी इक्वल टू के स्क्वायर इंटू डी बी का स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू बी सी का स्क्वायर, तो इसमें के स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, के स्क्वायर क्या कर लीजिए तो डी बी का स्क्वायर ऐसे लिखो सिंपली डी बी का स्क्वायर ऐसे करके है ना, डी बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर और के स्क्वायर हमने क्या किया है कॉमन,
अब के स्क्वायर चूंकि कॉमन आ चुका है तो के को क्या कर दीजिए, बाहर भेज दीजिए। के को क्या करना है बताइए, के को बाहर भेज दीजिए। तो क्यू आर, देखिए यही तो गलत है, क्यू पी इक्वल टू कितना इक्वल टू बात कर रहे हैं हम लोग, क्यू पी। तो यहाँ से निकल जाएगा क्यू पी इक्वल टू के स्क्वायर का वर्गमूल होगा के, के स्क्वायर का वर्गमूल क्या निकलेंगे बताइए, के। तो के बाहर कर दीजिए, के इंटू रूट अंडर, के इंटू रूट अंडर क्या होगा, डी बी, डी बी का स्क्वायर और माइनस बी सी का स्क्वायर, माइनस क्या होगा, बी सी का स्क्वायर। यहाँ तक इसे कोई आपत्ति होना नहीं चाहिए, यही मार्कर था जी। चलिए तो ये निकल चुका है क्या चीज़ अपना, तो ये निकल चुका है क्यू पी। अच्छा एगो खेला भी किए, क्यू पी के बाद अब इसी प्रकार निकालना है डी सी, क्या निकालना है डी सी। इसे मान लीजिए, इसे क्या मान लीजिए, समीकरण नंबर एक, प्लेटफॉर्म एक मान लीजिए। अब चलिए डी सी इक्वल टू कितना इक्वल टू बोलिए, ये डी सी आपको दिख रहा होगा, ये डी सी बराबर बताइए क्या होगा, डी सी बराबर डी बी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करिए, डी सी स्क्वायर, डी सी का स्क्वायर इक्वल टू डी बी का स्क्वायर माइनस बी सी का स्क्वायर, माइनस क्या होगा बी सी का, इस पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल डी बी सी। तो डी सी का स्क्वायर इक्वल टू, तो स्क्वायर हटा दीजिए तो इधर क्या चले जाएगा, रूट, रूट अंडर क्या होंगे, डी बी का स्क्वायर माइनस बी सी का। अब इसको मान लीजिए समीकरण नंबर दो। अब आप यहाँ पर ये देखिए क्या चीज़ मिल रहा है हम लोग को, अब यहाँ पर देखने क्या मिलता है, इस दोनों में डी बी बी सी फॉर्माया है दोनों, आप डिवाइड कर दीजिए, समीकरण एक अपॉन समीकरण दो, समीकरण एक अपॉन समीकरण दो, ये है क्यू पी और ये क्या बताइए डी सी। क्यू पी का मान बताइए, के इंटू डी बी का स्क्वायर माइनस बी सी का क्या होगा बताइए, स्क्वायर अपॉन डी बी का स्क्वायर माइनस बी सी का क्या होगा बताइए, स्क्वायर। समझ में आ रहा सब लोगों को, और ये देखिए सेम पैकेट कैंसिल होंगे, सिर्फ क्या बच गया बताइए, तो क्यू पी और बटे डी सी बराबर क्या हुआ बताइए, के हुआ। अब देखिए ये भी के और ये भी क्या बताइए, इसका मतलब ये और ये आपस में क्या होंगे, बराबर होगा, इसीलिए पी ए कितना, पी ए अब बटे में बोलिए क्या होगा, बी सी बराबर क्यू ए अब बटे में डी बी, मैंने इसको यहाँ से लिख दिया है, अब इक्वल टू क्या होगा बताइए, क्यू पी अब बटे डी सी। समझ में आ रहा सभी लोगों को, ऐसा यदि होगा, अभी अभी समझाए थे यही लाना था ना हमें, यदि ऐसा होगा तो क्या कह सकते हैं, ऐसा होगा तो क्या कह सकते हैं, नींद आ रहा है, ऐसा होगा तो क्या कह सकते हैं, ऐसा होगा तो क्या कह सकते हैं, इसीलिए, इसीलिए त्रिभुज की इस त्रिभुज और इस त्रिभुज का जो साइड्स का रेशियो है, भुजा का अनुपात बराबर है, तो एस 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 कहता है समरूपता, एस एस सिमिलरिटी क्या कहता है, एंगल भी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे, जाकर बुक में 6.4 पढ़िए, पढ़ाएंगे समझ में आ जाएगा। तो एंगल ए बराबर क्या होगा बताइए, एंगल ए बराबर एंगल बी, एंगल ए बराबर एंगल क्या होगा बी, कहाँ से, तो एस 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 समरूपता से, एस 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 समरूपता से, ये चीज़ क्या हो चुका है प्रूव्ड, इसीलिए हमने कहा कि ये आपसे प्रूफ होने वाला बिल्कुल भी नहीं। चलिए एक बार फिर से समझते हम लोग हैं इस क्वेश्चन में, आखिर इसमें कह क्या रहा और हमने इसमें क्या क्या है, समझिए। इधर क्वेश्चन में दिया था हमें प्रूफ करने के लिए, क्या प्रूफ करने के लिए दिया था आप समझिए, किधर किधर फंसा दिए हैं, एक सेकेंड वेट करो। चलिए देखिए इधर इसमें क्या क्या है समझिए आप लोग, एंगल ए और एंगल बी न्यूनकोण है, एक्यूट एंगल है, मतलब कि ए और बी का जो वैल्यू होगा ना, जीरो से बड़ा और नब्बे से क्या होगा बताओ, छोटा, ऐसा ऐसा ये बात है। तो और कॉस ए बराबर क्या दिया हमें है, कॉस बी, कॉस ए बराबर क्या दिया है, तो सिद्ध करना है, दिखाइए कि एंगल ए बराबर क्या होगा एंगल बी, एंगल ए बराबर क्या होगा। अच्छा एक थ्योरम है, अच्छा पहले समझिए, एंगल ए बराबर एंगल बी दिया है, अथी कॉस ए बराबर क्या दिया है, ये आपको दे दिया है क्वेश्चन में, ये आपको क्या गिवन है, तो जो दिया है उसी से हम लोग काम करते हैं, जो दिया उसी से क्या करते हैं, कॉस ए बराबर कॉस बी दिया, हमने क्या किया दो ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल बना लिया क्यू पी ए, एक बनाया डी सी और क्या बताया बी। तो चूंकि एंगल ए एंगल बी, तो एगो में एंगल ए मान लिया, एगो में क्या मान लिया एंगल बी, बाकी दोनों कुछ भी नाम दे दीजिए। तो हमने मान लिया एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है क्यू पी ए, एक है डी सी और बी, समझे बात को, ये एंगल ए है और ये एंगल क्या है बी है, समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री और ये भी कितना डिग्री होगा, राइट एंगल है। अच्छा तो कॉस ए बराबर दिया है कॉस बी, तो कॉस ए निकालिए इस ट्रायंगल से, निकलने एंगल आपको आता है कॉस थीटा और आधार बटा क्या होता है कर्ण, बेस बटा हाइपोटेनस, इससे निकाला कॉस ए ये लिखा, इससे निकाला कॉस बी, हमने ये लिखा, कोई दिक्कत
अच्छा अब क्या कर लिया है, इन दोनों को एक्सचेंज कर लिया है। कारण इसके पीछे है क्या, क्या अनुपात, ताकि बराबर करने में हमें क्या रहे, ठीक रहे। अनुपात बराबर करने में क्या रहे, प्रॉपर्टी लगाएंगे ना लास्ट में, एस 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 सिमिलरिटी, एस एस सिमिलरिटी समरूपता लगाने में इसका इस्तेमाल हमने किया। तो पी ए अब बटा चला आया बी सी बराबर पी ए, तो मतलब इसको हो गया और क्यू ए यहाँ चला गया, क्यू बटा क्या लगा लिया बताइए, डी बी। समझे बात को, मतलब कुछ नहीं किया है, इसको इसको क्या किया बताइए, एक्सचेंज, क्यू ए और बी सी को हमने क्या किया है, एक्सचेंज, अदल बदल दिया, सीट दोनों क्या कर लिया बताइए, चेंज कर लिया। ऐसा हम लोग कर सकते हैं, ऐसा क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में। इतना बराबर के मान लिया, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा रेशियो, कुछ ना कुछ वैल्यू के मान लिया हमने, क्या मानना चाहिए, के मान लिया। अब चलिए इसको इसको तीनों आपस में बराबर है, तो इसको बराबर इसको कीजिए, और पी ए बटा बी सी बराबर के, तो पी ए का मान निकला के इंटू बी सी। फिर इसको बराबर इसको कीजिए, तो क्यू ए बटा डी बी बराबर के, तो क्यू ए का मान निकला के इंटू डी बी। समझ में आ गया बात को। अच्छा फिर क्या किया हमने, अब चूंकि पी ए भी निकल चुका है, क्यू ए भी निकल चुका है, समझने बात को, ये क्यों निकाल भी चर्चा कर लेंगे अभी। अब क्यू पी निकालिए, किस ट्रेंगल में, क्यू पी ए में क्या निकालना बताइए है, क्यू पी, तो क्यू पी पाथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। आधा लंब निकालना है तो कर्ण माइनस आधार, आधार निकालना है तो कर्ण माइनस क्या करना है, लंब, ऐसा तकनीक सिखाए थे। चूंकि लंब निकालना है तो कर्ण माइनस क्या होगा, स्क्वायर में, तो ये चीज़ बता दिया हमने। तो क्यू पी निकालना हमें है, तो वर्ग छोटका ये है, तो क्यू ए स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर, और हमने क्या किया, स्क्वायर टाइम रूट चढ़ा, क्यू ए का वैल्यू मैंने रखा था निकाल करके, ये और ये यहाँ पुट किया, अब बाकी के को बाहर किया, तो के को जब मैंने बाहर किया तो क्यू पी का क्या निकल गया, वैल्यू ये निकला, ये किसका वैल्यू निकला बताइए, क्यू पी का ये वैल्यू निकल गया। समझे बात को। और फिर डी सी निकाला, किस ट्रेंगल में, इस ट्रेंगल में क्या निकाला डी सी, क्योंकि इसका इसका रिश्ते पहले से पता था हमें के मतलब, तो अब डी सी निकाला, डी सी का अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम में लिख दिया हमने, तो डी सी छोटी भुजा है मतलब लंब है, तो कर्ण स्क्वायर माइनस क्या होता है यहाँ से, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, समझ रहे ना, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर कर दिया, ये निकल गया। अब एक को किससे डिवाइड कर दिया, दो से, एक डिवाइड क्या कर दिया बताइए, एक को भागा दो से दिया, कोई दिक्कत, अच्छी बात है। तो क्यू पी बटा क्या निकला, डी सी। अब यहाँ देखिए, इतना बराबर के है और इतना बराबर भी क्या है बताइए, इसका मतलब ये दोनों और ये आपस में क्या होंगे, मतलब तीनों आपस में क्या होगा बताइए, इक्वल होगा, तीनों आपस में बराबर होंगे। और जब तीनों बराबर होगा तो एक थ्योरम कहता है, ऐसा हो तो इस समरूपता प्रमेय से, एस एस सिमिलरिटी से, एस एस समरूपता प्रमेय से, एंगल ए बराबर एंगल क्या होगा, बी। सिर्फ ए बराबर बी ही नहीं, क्यू बराबर डी होगा, और पी बराबर क्या होगा, सी होगा। ये आप प्रमेय 6.4 है, प्रमेय कितना है, 6.4 कितना पर में है, 4 पढ़िएगा, ज्योमेट्री चैप्टर जब पढ़ाएंगे तब ऐसे है। एक टेक्निक्स और पढ़ाते हैं जो कि थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है और काफ़ी इजी है, एग्जाम आप चीज़ कीजिएगा, ये काफ़ी लंदी हो जाते हैं। अब इसी क्वेश्चन को सेकंड तरीका से हम लोग करते हैं, आप समझिए किससे कैसे किया जाए, समझे बात को, काफ़ी ईजी है, आप लोग आसानी समझ सकते हैं। देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन समझिए, तो ये एक बना लीजिए ट्रेंगल, एक क्या बना रहे बताइए, ट्रेंगल, ये है ए, ये है बी, और ये क्या बताइए, सी। एकदम ध्यान से, इतमान से, काफ़ी तरीका से बताते हैं, समझिए ध्यान से क्या कर रहा है, ए बी सी ट्रेंगल बना लिया है, वही कहानी दिया है, कॉस ए बराबर कॉस बी, क्या दिया है, कॉस ए बराबर बेकार मिटा दिए तो उसी में कम हो जाता, कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, कॉस ए बराबर क्या देता है ये, अब समझिए, ये है एंगल ए, ये एंगल क्या है, एंगल ए, तो यहाँ लिखा है कॉस ए, और कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे क्या होते हैं, जिस कोण को थीटा मानेंगे सहने वाला क्या होगा, लंब, सहने वाला क्या होगा, और ई लंब, तो ये होगा आधार, ये क्या होगा, तो ए सी, ए सी, अब बटे क्या होगा, ए बी, समझ में आ रहा सभी लोगों को। अच्छा अब कॉस बी ले रहे हैं, आप क्या ले रहे हैं बताइए, एंगल इसको मान, इसी त्रिभुज में, इसी त्रिभुज एंगल किसको मान रहे हैं, तो इस एंगल के लिए ये क्या होगा, लंब, और ये क्या होगा, आधार, और ये क्या होगा, तो इस कोण के लिए आधार यानी कि बेस, तो कॉस बी बराबर क्या होगा, बी सी, अब बटे क्या होगा बोलिए, ए बी, बी सी बटे, अच्छा देखिए यहाँ भी ए बी, हमें भी कटा, तो ए सी बराबर क्या निकल गया यहाँ से बताइए, बी सी। अब प्रॉपर्टी होगा क्लास नाइन्थ का, अब प्रॉपर्टी किसका यूज करेंगे, क्लास नाइन्थ का। अब देखिए ए सी बी सी आपस में बराबर है, ए सी बी सी आपस में क्या है, ये जो ए सी है और ये क्या बताइए, बी सी आपस में क्या है, तो बराबर भुजा के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, सब पढ़ाए थे ना, चूंकि बराबर भुजा के सामने के कोण भी, बराबर भुजा के, इस भुजा के सामने के कोण ये एंगल बी, ए सी के सामने के कोण एंगल बी, और बी सी के सामने कोण एंगल ए, बराबर भुजा के सामने के कोण भी क्या होते हैं,
बराबर बराबर भुजा के सामने के कोण भी बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझने बात को। इसीलिए एंगल ए बराबर क्या होगा? एंगल बी। प्रूव्ड। कहिए, लिखिए, देखिए क्वेश्चन में कहा है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है तो इसका मान और इसका मान निकालिए। समझने बात को। इस क्वेश्चन को हम बिना कॉट थीटा 7/8 का भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इस चैप्टर में ऐसा हमें करना बिल्कुल भी नहीं है। इस चैप्टर में जो फार्मूला है उसके दायरे में रख के सॉल्व करना है। बाद में बता देंगे कैसे सॉल्व किया जाएगा। समझने बात को। आगे पढ़ा देंगे तो आप इसे कर पाइएगा आसानी तरीका से। अभी भी आसान तरीका से हम बताते हैं आपको कैसे होगा। समझिए, इधर सॉल्यूशन लिख लीजिए पहले, है ना। तो कॉट दिया है, सबसे पहले क्या करना है? दिया है, क्योंकि जो आपके सामान दिए होते हैं उसी से आप आगे बढ़ते हैं। कॉट थीटा इक्वल टू क्या दिया? 7/8। और कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताओ? आधार बटे लंब बराबर 7/ क्या है? यानी कि आधार अनुपात लंब अनुपात कितना है? 7:8, है ना। तो इसीलिए आधार बराबर कितना? बराबर 7 के। आधार बराबर क्या मान लेते हैं? डायरेक्ट यहाँ से यहाँ कर सकते हैं इस स्टेप यहाँ, मतलब ठीक है। और बताओ लंब बराबर कितना हो गया बताओ? 8 के। लंब बराबर कितना के हो गया? किसी का आपत्ति? बेस बटे परपेंडिकुलर हो गए। समझ मारन कहानी, ये हो गया। समझे बात को। ये हो गया इसका क्या चीज़? आधार यानी कि बेस, क्या चीज़ बोलो? लंब यानी कि परपेंडिकुलर। समझ मारन। अच्छा कर्ण पता है? नहीं पता है, चूँकि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू, कर्ण स्क्वायर क्या होता है जी? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। पूछेगा ऐसा क्यों कर रहे हैं? हमने त्रिकोणमिति में कितना निष्पत्ति पढ़ाया था? 6 निष्पत्ति। और 6 में से कोई भी निकालना हो तो लंब आधार कर्ण के PBH आपको पता होना चाहिए, तब ना होगा काम। आधार पता, लंब पता, कर्ण नहीं, हाइपोटेन्यूस नहीं पता है, इसलिए ऐसा लगा रहे हैं। चलो बताओ कर्ण बराबर रूट अंडर क्या हो जाएंगे? लंब स्क्वायर और प्लस क्या चीज़? आधार का स्क्वायर। समझ में आ रहा है आप? बोलिए तो कर्ण इक्वल टू हाइपोटेन्यूस इक्वल टू। समझे बात को। तो बोलिए लंब कितना है जी? कहाँ गया लंब? 8 के। लंब कितना के है बोलो? 8 के का स्क्वायर। आधार कितना है बताओ? 7 के का स्क्वायर। अंडर क्या चढ़ जाएंगे बताइए? रूट। अंडर क्या चढ़ गया? रूट चढ़ा, अच्छी बात है, चढ़ने दीजिए। समझे बात को। चलो बताओ यहाँ से कर्ण बराबर कितना बराबर बोलो? कर्ण बराबर 8 64 के स्क्वायर। और 7 कितना होगा बोलो? 7 49 के स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात को। तो कर्ण बराबर बोलिए, चालू है ना जी? भूल जाते हैं। 9 4 13 1 3 हासिल बचल 1 और 6 4 10 1 11 एक बराबर मूल निकलता है, सही निकाले सब जी। 8 8 6 7 49 और 9 4 9 4 13 1 3 1 रूट अंदर 113 इतना का स्क्वायर। तो इसीलिए कर्ण बराबर निकल गया रूट 113 के। ये क्या निकला जी? ये निकला कर्ण इक्वल टू हाइपोटेनस इक्वल टू किसी का आपत्ति। अब इस फार्मूला में देखिए आपको चाहिए साइन थीटा और आपको क्या चाहिए? कॉस थीटा। पहले वो निकाल लीजिए, पहले वो क्या करना है? निकाल लेना है। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होते हैं बोलिए? लंब बटे कर्ण। लंब बटे क्या होते हैं बोलो? तो कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब। लंब कितना है बताओ? लंब कितना यहाँ से है? 8 के। लंब कितना है बोलो? 8 के। और कर्ण कितना है? रूट 113 के बाहर है। के क्या बताइए? तो के क्या हो गया बोलिए? कैंसिल हो गया। तो साइन थीटा बराबर क्या निकल गया? 8/√113। ये निकला साइन थीटा, ये क्या निकला? इसी प्रकार से अब निकालना है कॉस थीटा। क्या निकालना है बोलो जी? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है बोलो? आधार बटे कर्ण। पढ़ा है आपने, अच्छी बात है, इंग्लिश में बता देंगे लिखने के बाद हम, है ना। तो कॉस थीटा बराबर आधार बटे क्या बताइए? कर्ण हो गया ना। तो कॉस थीटा लंबा तो नहीं सवाल है, मतलब कुछ भी नहीं, आसान है। तो आधार कितना है बताइए आपके पास? आधार कितना यहाँ से है? 7 के। आधार कितना होगा बताइए यहाँ से? 7 के। आ उसके बाद कर्ण कितना है बताओ? कहाँ गया कर्ण? √113 के। √113 और के बाहर कर दीजिए, 113 है। समझ रहे हैं बात को? √113 और के क्या है बोलिए? के बाहर। तो बताओ यहाँ से कॉस थीटा बराबर क्या निकला? 7/√113। 7/ क्या निकला? √113। समझे बात को। ये क्या निकल चुका है बताओ? किसी को दिक्कत? अच्छा अब एक नंबर में देखिए आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है थोड़ा देखिए, क्या निकालना है बताओ? ये निकालना है, एक नंबर में निकालना है ना। क्या निकालना है? 1 + sin θ ((1 - sin θ)। 1 + sin θ ((1 - sin θ) अपॉन में बोलिए 1 + cos θ ((1 -)। क्या निकालना है?
सिंपली आपको देखिए साइन कॉस का वैल्यू पता है, साइन का भी कॉस का वैल्यू क्या है, आप सारे वैल्यू को पुट कर दीजिए, सारे क्या कर दीजिए और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो वन प्लस साइन थीटा क्या निकालना है, आठ बटे कितना है बताओ, आठ बटे रूट 113, समझ में आ रहा है कहानी। अच्छा ये सारे स्टेप क्यों किए हैं, क्योंकि सवाल हम देख रहे हैं, सोचना चाहिए ऐसा मास्टर कर क्यों रहा है, समझिए। तो साइन और कॉस आपको उसमें सवाल में है वो निकालना पड़ेगा ना पहले, तो साइन कॉस निकालने के लिए तीनों साइड्स पता होना चाहिए, लंब आधार कर्ण यानी कि एच बी पी बी एच पता होना चाहिए ना, इसलिए पहले तारीख पता कर ले फिर साइन कॉस फिर वैल्यू पुट कर निकाल देगा, ऐसे तरीका होता बनाने का। चलिए तो इंटू वन माइनस फिर साइन का वैल्यू 8/√100 क्या होगा बोलो 13, समझे ना बात को। वन प्लस कॉस का मान बताओ 7/√100 क्या होगा बोलो 13, और इंटू वन माइनस 7/√100 क्या होगा बताओ 13। किसी को दिक्कत, कैलकुलेशन देख कर डर लगता होगा, आसान है, टेंशन लेने वाली बात कुछ भी नहीं है, है ना, कोई दिक्कत आपसे, मतलब बहुत आसान तरीका कर। देखो ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है फार्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अरे पढ़ा है ना, क्या पढ़ा आपने फार्मूला, ए यहाँ लिख देते नीचे में, आपने पढ़ा है ना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या पढ़ा आपने, बी स्क्वायर ऐसा पढ़ा है फार्मूला, लगाओ a प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होगा बोलो, ए स्क्वायर माइनस 8/√113 का क्या होगा बोलो स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और नीचे में भी एकरा मानो ए तो एक का स्क्वायर माइनस 7/√113 क्या होगा बताओ स्क्वायर, किसी का आपत्ति, किसी का आपत्ति यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, कहने चैप्टर सब है कोई बात नहीं, आसान है सब सीख लीजिएगा। एक के स्क्वायर करिएगा तो कितना बताइए, एक होगा, एक के स्क्वायर कितना बताओ, अठी अठी 64/113 रूट का स्क्वायर फुल हो जाएगा, रूट आठ का स्क्वायर चौथा रूट 113 का स्क्वायर फुल 113, समझे बात को, अपॉन वन माइनस 77 कितना होगा बोलो 77/49/113 किसी को दिक्कत। चलिए 113 माइनस कितना होगा बोलिए 64 और बटे कितने होगा 100 आ ये करिएगा 113 माइनस कितना होगा बोलिए 49 और बटे 113 समझ में कहानी, ये बड़का वाला लाइन चल रहा है अब समझिए, यहाँ से सूत्र बाद आप लोग को पता होगा। तो चलिए 113 में से घटाइए, 13 में से 4 गया बोलिए कितने होगा, 13 में से 4 गया 9, 8 4 12 9 4 13 घटाओ, गलती कर देंगे हम तो 113 घटाओगे तो कितना पूरेगा ही 49 पूरता है जी, 13 में से 4 गया कितना हुआ 9, इधर कितने बचा 10 में से 6 गया 4, 49/100 कितना निकला 13, इसको लिखा आपने। चलिए एक स्टेप और तनी इतना कर ही रहे तो इसको बताइए, 13 में से 9 गया 9 4 13 पक, 13 में से 9 गया कितना हुआ बोलो 4, 64 आएगा ये, और यहाँ कितना बच गया बोलो 10 में से 6 गया 64/ कितना आएगा 113, सूत्र लिख लेना, सब लोग बाद में लिखा देंगे कोई बात नहीं है, लिखा लिया होगा। अब चलो अब आगे इसको क्या करोगे बताओ, 49/113 पलट दो, इसको लिखा इसको कहाँ ले दी ऊपर, 113 ऊपर हो जाएंगे, 113/ ये क्या हो जाएगा 64 होगा, ये दोनों क्या हो चुके हैं कैंसिल, तो कितना निकला बताओ 49/ कितना निकला बोलो 64 निकला, किसी का आपत्ति। अब इसी में दूसरा सवाल जो करना है, सवाल नंबर दो, सवाल नंबर कौन करना है बताइए, सवाल नंबर दो देखिए, कॉट स्क्वायर थीटा है, दूसरा सवाल क्या है जी, कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है ना, तो कॉट स्क्वायर थीटा का आप लिख पाइएगा, क्या लिख पाइएगा, कॉट थीटा का स्क्वायर लिख पाइएगा जी, और कॉट थीटा का वैल्यू आपके पास दिया है 7/8, 7/8 कितना दिया 8, 7/8 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, तो 77/49/64 इतना नोट किए, और भी तरीके इसके हैं बनाने के, समझे बात को, तो आप उस चैप्टर के फार्मूला को पढ़िएगा तब आप कर पाइएगा, इतना नोट कीजिए पहले। सुनिए इधर कहता है ये क्वेश्चन, यदि 3 cot a/4 अभी जो क्वेश्चन पढ़ा है तो उसी प्रकार का, तो जांच कीजिए कि इतना बराबर इतना है नहीं, वैसे है 11th का ये फार्मूला ही होते हैं, ये 11th का क्या होता है, ये फार्मूला है cos 2a/1 माइनस 10a² + 10a² cos² - sin² या 1 ऐसे करके कई 3 4 5 फार्मूला इसके होते हैं, होता है ऐसे जो कि यहाँ आपको करना होगा चेक। तो इसमें देखिए 10a और cos a sin a है ना, आपको cot एक मतलब 3 cot a/4 दिया है, आप पहले क्या करिए एल पी बी एस निकालिए, लंब आधार और क्या निकाल लीजिए कर्ण, ये निकलेगा फिर 10a sin a cos a पता कर लीजिए और फिर काम कीजिए, कैसे करना समझ रहे हैं बात को। चलिए करते हैं सॉल्यूशन, देखिए सॉल्यूशन में दिया है, दिया है क्या दिया है 3 cot a 3 cot a बराबर क्या दिया बोलिए 4, इसीलिए cot a = 4/3
और कोट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, बेस बटे परपेंडिकुलर, आधार बटे क्या होता है, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोट थीटा आधार बटे लंब बराबर चार बटे क्या होगा बोलो, यानी कि आधार अनुपात लंब बराबर चार अनुपात कितना बताओ, तीन है, तो इसीलिए आधार बराबर कितना बराबर चार के, और लंब बराबर बोलो कितना होगा यहाँ से तीन के, समझे बात को। चूँकि कर्ण नहीं पता है, डायरेक्ट बताइए अब कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ऐसा भी पढ़ाया था हमने, कर्ण बराबर क्या रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस क्या बताओ आधार स्क्वायर, तो कर्ण बराबर बताओ यहाँ से क्या होगा, कितना बराबर बताओ लंब कितना, डायरेक्ट बताओ कहाँ गया लंब जी, थ्री के, थ्री के का क्या होगा बताओ यहाँ से स्क्वायर, आधार कितना होता यहाँ से फोर के, फोर का क्या होगा बताओ यहाँ से रूट में, जल्दी देखो इधर, कर्ण बराबर तीन तिया नौ के स्क्वायर, चार चौके सोलह के स्क्वायर, और सोलह नौ कितना होगा जी, सोलह नौ पच्चीस, तो यहाँ से कर्ण निकल गया कितना, पच्चीस के स्क्वायर, सोलह नौ पच्चीस के स्क्वायर, बराबर वन निकालोगे तो कर्ण कितना निकला बताओ यहाँ से पाँच के, कर्ण कितना निकला जी, फाइव के निकले कर्ण आपको, है ना, कर्ण निकला फाइव के निकला, समझे ना बात को, कर्ण निकल चुका है फाइव के, अब जब कर्ण निकल चुका है तो अब टेन ए निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए, टेन ए इक्वल टू, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है बोलो, लंब बटे आधार, लंब बटे क्या होता है परपेंडिकुलर बटे बेस, तो बताओ यहाँ से टेन ए बराबर क्या होगा, लंब कितना है बताओ कहाँ गया जी, लंब यहाँ है, कहाँ है लंब, यहाँ थ्री के, लंब कितना के है, और कर्ण कितना बताओ यहाँ से है फाइव के कैंसिल, तो टेन ए का मान कितना निकला बताओ, तीन बटे पाँच, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे क्या होता है आधार, लंब कितना है यहाँ से बताओ, मिस्टेक कर दिया हमने जी, यहाँ मिस्टेक किया है, गर्मी अधिक है ना तो दिमाग इधर से उधर भाग जाता है, देखो इधर, तो लंब कितना दिया बताओ यहाँ से, लंब किधर गया, लंब है थ्री के, आधार कितना दिया है बताओ फोर के, कितना दिया है फोर, अरे वैसे भी देखो कॉट पता है तो उल्टा देगा तो टेन ही निकलेगा, ऐसे भी दिमाग लगा सकते हो क्योंकि कैंसिल हो गया, लेकिन फिर भी चलो निकाल दिए, तो टेन आर कितना हो गया, तीन बटे बोलो, तीन बटे कितना निकला चार, तीन बटे बोलिए, अब क्या निकालना है साइन ए, क्या निकालना है साइन ए, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे अभी आपको पूरा फॉर्मूला नहीं पढ़ाएंगे, टेन ए बराबर साइन ए बटे अथी कौसे होता है, उससे भी निकाल सकते थे, कई तरीके निकालने का है, छोड़िए इधर, तो साइन ए इक्वल टू कितना, इक्वल टू साइन, लंब कितना है बताओ यहाँ से, लंब है थ्री के, लंब कितना के बताइए थ्री के, और कर्ण कितना है जी, कर्ण है फाइव के, कर्ण कितना है फाइव के कैंसिल हो गया, तो यहाँ से निकला साइन ए कितना निकला थ्री बटा फाइव, थ्री बटा क्या निकला जी, अच्छा साइन निकल चुका है, अब निकालेंगे चूँकि कॉस ए बराबर क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है आधार बटे क्या होता है जी कर्ण, आधार बटे क्या होते हैं बताइए, पढ़ाए ना आपने, आधार बटे कर्ण होते हैं, ठीक है, आधार कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, बेस बटे हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ से बताइए कॉस ए बराबर कितना बराबर, बस लास्ट सवाल है तो लोग कूद कूद कर रहा है, मतलब समझ रहे कहानी, आधार बराबर चार के, अब तू सब ठीकने वाला नहीं है, चार के आधार कितना होता है यहाँ से चार के, और कर्ण कितना है जी पाँच के, कर्ण कितना है तो कर्ण कर्ण कैंसिल हो, मतलब के कैंसिल हो गया, तो कॉस ए बराबर कितना निकला, क्या हुआ चार बटे कितना निकला जी पाँच निकला, चार बटे पाँच कौशे, आप देखिए क्या सारे चीज़ आपको निकल चुका है, निकल चुका है, लिखेंगे अब यानी कि नौ, अब निकालिए वन माइनस टेन स्क्वायर ए, वन माइनस टेन स्क्वायर ए, अब बटे क्या निकालेंगे वन प्लस टेन स्क्वायर ए, कंसेप्ट क्लियर, अच्छी बात है, निकालिए कोई दिक्कत वाला बात नहीं है, तो वन माइनस टेन ए का मान बताओ, तीन बटे कितना है चार, तीन बटे कितना है जी, तो टेन ए का मान रखो, तीन बटे चार का क्या होगा जी यहाँ से स्क्वायर, हाँ वन प्लस तीन बटे चार का क्या होगा यहाँ से स्क्वायर, तो वन माइनस तीन तिया नौ, चार चौके सोलह, वन प्लस तीन तिया नौ, चार चौके सोलह, ठीक है, सोलह एकम सोलह माइनस नौ, और बटे क्या होगा बोलो सोलह, और पूरा का बटे में सोलह एकम सोलह माइनस नौ बटे सोलह, और सोलह एकम सोलह और प्लस नौ, और पूरा का बटे में क्या होगा बोलो सोलह सोलह, यहाँ भी काट सकते हो, तनी उल्टा काटेंगे मतलब काट भी सकता है, डायरेक्ट कुछ लोगों को दिक्कत होता है इसीलिए तनी और स्टेप बढ़ा करके बोलो, सोलह में सुना गया सात, सोलह में सुना गया बोलो कितना होगा सात बटे सोलह, सात बटे उल्टाइएगा इस पूरा टर्म को, ये उलट जाएंगे तो सोलह कहाँ चला जाएगा ऊपर, और सोलह चार बीस, और बीस पाँच सोलह नौ कितना बोलो पच्चीस, तो सोलह सोलह क्या हो गए, तो सात बटे कितना निकला बोलो, तो इतना बराबर कितना निकला, इतना बराबर सात बटे पच्चीस निकला, अच्छा फिर निकालो, अब फिर कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर
ए माइनस साइन स्क्वायर ए निकालो, बताओ कॉस स्क्वायर ए, कॉस ए का मान बताओ यहाँ से, कॉस ए का मान कहाँ गया जी, चार बटे कितना लिखा है बताओ, चार बटे पाँच का स्क्वायर, और माइनस साइन ए का मान बताओ, साइन ए कहाँ है जी, साइन ए तीन बटे कितना बताओ, तीन बटे कितना है यहाँ से बताओ, तीन बटे पाँच का स्क्वायर, तो चार चौके सोलह, पचे पच्चीस, तीन तिया नौ, पचे पच्चीस, पच्चीस पच्चीस का वर्गमूल क्या होगा, पच्चीस, सोलह माइनस कितना निकला बोलो नौ, यानी कि सात बटे कितना निकला बताओ, तो बताओ ये भी डाटा है सात बटे पच्चीस, ये डाटा भी कितना है सात बटे, और ये भी कितना है, क्या दोनों बराबर है ना बराबर, तो लिखेंगे अतः अतः या इसीलिए, क्या लिखोगे, इसीलिए वन माइनस, दो मिनट और शांति रखो बस, लास्ट सवाल ये है इसके बाद बताएंगे, वन माइनस टेन स्क्वायर ए और बटे वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर बराबर सात बटे पच्चीस, तो पूछा था उत्तर में बराबर है कि नहीं है, तो उत्तर में लिख देंगे हाँ, उत्तर में क्या लिख देंगे, यानी कि यस लिखेंगे, सवाल कंप्लीट हो चुका है, यह क्वेश्चन नंबर कौन है जी आठ, और कल की क्लास हम लोग करेंगे नौ दस ग्यारह, तीन क्वेश्चन है कल कंप्लीट, परसों क्लास में 8.2 स्टार्ट करेंगे हम लोग, ठीक है ना।